नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन भी सभी खनिज लवणों में से एक है, ठीक है। वैसे तो क्लोरीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना आवश्यक है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि क्लोरीन का कार्य क्या है। मुख्य रूप से यही है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो नॉर्मली तो जो हम नमक खा रहे होते हैं उसमें उपस्थित होता है और हमारे बॉडी को जितनी आवश्यकता होती है उतनी हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर क्लोरीन बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुँचाता है, जैसे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। पाचन तंत्र पे भी इफेक्ट डालता है। लेकिन जब हम जो प्रतिदिन नमक खा रहे हैं उसी से हमें प्राप्त हो जाता है, अलग से लेने की नहीं ज़रूरत है, तो वो हमारे शरीर में अच्छा के लिए कार्य करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर जैसे एक बुक को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि क्या इससे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए किसी एक पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। 3-4 बुक को मर्ज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम थोड़ा सा समझेंगे, क्लोरीन को, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे। क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो हमें खाने वाले नमक से प्राप्त हो जाता है और इसकी जो दैनिक मांग है वो 3 से 9 ग्राम के आसपास है, ठीक है, जो कि हमें खाने वाले नमक से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यह सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर के कार्य करता है। जो क्लोरीन है वो हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर के कार्य करता है, ठीक है। अम्ल क्षार को संतुलित बनाए रखता है। जो भी हमारे शरीर में अम्ल एवं क्षार बन रहे हैं उसको क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है और जल को संतुलन बनाने में भी अपना योगदान देता है। वैसे तो क्लोरीन का ज़्यादा उपयोग जल को प्यूरीफाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर में इसके संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने HCl का नाम सुना होगा, ठीक है, उसी को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। उसका निर्माण कहाँ होता है, अमाशय में होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके निर्माण में सहायक होता है। कभी कभी हम व्रत रहते हैं, ठीक है, व्रत हमें हमारे जो शास्त्र हैं हमारे जो धर्म हैं उसमें व्रत इसलिए नहीं बनाया गया था कि दिन भर आप तली भुनी चीज़ों को खाते रहिए, ठीक है। व्रत इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक दिन अगर हम उपवास रखते हैं तो हमारा जो अमाशय है इसका सफाई हो जाएगा, यानी कि जो उसमें जो निर्मित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो पूरा सिस्टम को डिटॉक्सिफाइड कर देगा, साफ कर देगा। लेकिन आज के समय में क्या है, व्रत के नाम पे लोग कुट्टू की पूड़ियाँ और बहुत सारे पूड़ी पराठे पकवान खाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि व्रत इसलिए रहा जाता है ताकि उस दिन हमारा जो शरीर का शुद्धिकरण है वो हो सके, और वो शुद्धिकरण करने का कार्य करता है HCl, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अमाशय में निर्मित हो रहा है उसके साथ मिल करके ये क्लोरीन क्या करता है, उसको साफ करने का कार्य करता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि में भी ये सहायक होता है और पाचक रसों को क्रियाशील बनाने में क्लोरीन का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्लोरीन है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। समझेंगे पोटेशियम के बारे में, ठीक है। पोटेशियम का रासायनिक सूत्र होता है K, ठीक है। ये हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक स्थान रखता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम समझेंगे कि पोटेशियम, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम 250 ग्राम
पाया जाता है, ठीक है, जिसमें से 90% आरबीसी और 10% बाह्य कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं, उसमें 90% पोटेशियम पाया जाता है और बाकी जो 10% बच जाते हैं वो बाह्य कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पोटेशियम की कमी, ठीक है, तो पोटेशियम की जो कमी है उसके कारण हाइपोकैलेमिया नामक रोग हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है। और इसकी अगर अधिकता हो जाए, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का अगर हद से ज़्यादा जब सेवन करेंगे तो उसकी अधिकता हो जाएगी, जिसके वजह से भी साइड इफेक्ट पड़ते हैं, और कमी हो जाएगी तब भी दिक्कत है। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस बना करके चलना आवश्यक होता है, ठीक है। तो पोटेशियम की अगर अधिकता हो जाएगी तो हाइपर कैलेमिया हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कमी होती है तो हाइपो कैलेमिया होती है, अधिकता होती है तो हाइपर कैलेमिया होती है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया क्या होता है कि एड्रिनल कॉर्टिको ट्रॉपिकल्स हार्मोन्स होता है जो कि प्रभावित होता है। हमारे शरीर में एड्रिनल ग्रंथि होती है जो कि इससे प्रभावित होती है, और उसमें क्या होता है, ACTH के बढ़ने पर शरीर से क्या होता है, पोटेशियम जो होता है वो अधिक मात्रा में हमारे कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकलने लगता है, जैसे मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगेगा और पसीने के रास्ते से बाहर निकलने लगेगा। इसीलिए तो जब बीपी लो हो हाई होता है और लो होता है तो इसमें क्या है, इन्हीं सब चीज़ों का खेल होता है, ठीक है। तो यही अनडिसबैलेंस होते हैं तो ये सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिकल्स जो हार्मोन्स होता है उसको ये प्रभावित करता है, और ACTH के बढ़ने पर क्या होता है, शरीर से अधिक मात्रा में ये स्रावित होने लगता है मूत्र के रास्ते। हाइपोकैलेमिया के कारण कुशिंग सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बार बार व्यक्ति को उल्टी होती है, जिसके वजह से पोटेशियम की कमी हो जाती है, बार बार मूत्र त्याग होता है और डायबिटिक कोमा हो जाता है, हृदय की गति असंतुलित हो जाता है। मैंने कहा ना कि जो ये सब क्या है, हाई बीपी लो बीपी ये सब क्या है, पोटेशियम की ही कमी और अधिकता के कारण होती है, ठीक है। तो जब हाई बीपी यानी कि जब हमारे शरीर में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा तब भी दिक्कत होगी, ब्लड का प्रेशर बहुत कम होगा, हमारे पूरे बॉडी में पूरे तंत्रिका में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा तो लो बीपी होगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पोटेशियम का अनबैलेंस होना ही संकेत करता है, ठीक है। पैरालिसिस और पैरालिसिस जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, जैसे जब हमारा जो हृदय है ये ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है हमें इन सभी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है बात हाइपरकैलेमिया, अगर पोटेशियम की अधिकता हो जाती है तो हमें क्या होता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अतिसार होता है, यानी कि व्यक्ति को डायरिया हो जाती है और ACTH के अल्पस्रावण होने के वजह से ADHD नामक बीमारी हो जाती है और वृक्का घात जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कैलेमिया के चलते कुशिंग सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, और इसमें क्या होता है कि बार बार उल्टी होती है जिसे हम कह करना कहते हैं, जिसके रास्ते क्या होता है, पोटेशियम स्रावित होने लगता है, बार बार मूत्र त्याग होता है, ठीक है। और डायबिटिक कोमा में भी क्या होता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है और हृदय की गति असंतुलित, जैसे कि हमने आपको बताया कि बीपी का लो होना या हाई होना क्या होता है, हृदय की गति को असंतुलित होने का संकेत देता है, ठीक है। क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसे हम उस स्थिति को हम बीपी हाई कहते हैं, लेकिन जब वही ब्लड का
प्रेशर कम हो जाता है, वो पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ब्लड लो हो जाता है, यानी कि बीपी लो हो जाता है। तब क्या होता है कि ये हृदय की गति को असंतुलित रूप में ही दिखाता है, यानी कि हृदय हमारा जो है वो पूरे बॉडी को ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, पहुंचा नहीं पा रहा है पूरी तंत्रिका तंत्र को, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि हृदय की गति कभी तेज कभी धीमी हो रही है, और ये पोटेशियम का कमी के कारण ही होता है। ठीक है, पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, व्यक्ति को पैरालिसिस होने की संभावनाएं होती हैं। अगर लो भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, जब हमारी बॉडी को पूरा ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, वो काम करना बंद कर देंगे और हमारे अंग धीरे धीरे शिथिल पड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और इन सभी चीज़ों को हम हाइपोकैलेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हाइपरकैलेमिया क्या है, यानी कि पोटेशियम की अधिकता होने से हमें क्या होता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि तीव्र अतिसार होता है, यानी डायरिया जैसी समस्या व्यक्ति को उत्पन्न होने लगती है, और ACTH के अल्पस्रावण से क्या होता है, एडिसस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और वृक्काघात होने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दोनों कंडीशन बहुत ही बैड माना जाता है, और हमारे शरीर के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। हम देखेंगे पोटेशियम के कार्य को। ठीक है, तो जिस प्रकार से क्लोरीन अम्ल एवं क्षार को संतुलित कर रहा था, ठीक उसी तरह से पोटेशियम का भी कार्य है अम्ल एवं क्षार को संतुलित करना, और हम जितना भी पेय पदार्थ लेते हैं उसको संतुलित करना। ठीक है, और ये मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। जो भी हमारे मांसपेशियां हैं, इसमें क्रमानुकंचन एवं संकुचन क्या क्या होता है, क्रिया होता है, सिकुड़न और उसको कहते हैं ना दाब, तो क्या होता है, सिकुड़ता है और फिर फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, जिसे हम क्रमानुकंचन की गति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके संकुचन में ये सहायक होता है पोटेशियम। ठीक है, धड़कन की गति को नियमित रखता है, ये धड़कन की गति हृदय की गति को नियमित रखता है, तभी तो ब्लड को क्या करता है, मोटा होने से रोकता है। ठीक है, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब में ये होता है कि जो ब्लड है वो हमारा जब मोटा होता है, यानी कि जब बीपी हाई के सिचुएशंस आते हैं, तो ये ऐसे कंडीशंस आते हैं, तो उस स्थिति को ये क्या करता है, नियमित करता है, ब्लड को पतला करने का कार्य करता है और पूरी बॉडी को देने का कार्य करता है। ठीक है, इसके जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो सभी भोज्य पदार्थ हैं, जैसे जितने भी हरी साग सब्जियां हैं, ठीक है, दाल है और सूखे मेवे हैं, इन सभी में क्या होता है, पोटेशियम उपस्थित होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कहें तो पोटेशियम दूध, दही, अंडा, मांस, मछली और हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और हमें भरपूर मात्रा में हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फ्रूट का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।